अगर आपका सप्लायर वो एमएसएमई में रजिस्टर ही ना हो तो फिर उसको ये रूल लागू नहीं होता। कि ये रूल कौन कौन से सेगमेंट में आता है और इसका असर किस किस बिजनेसेस पे होता है। अगर आपका सप्लायर मीडियम और लार्ज यूनिट है एमएसएमई के तहत, तो भी आपको ये रूल लागू नहीं होता है। गुड्स का परचेज किसी भी ट्रेडर से कर रहे हैं तो फिर आपको पेमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे 45 डेज में पेमेंट कर देना पड़ेगा? ये आज की डेट का करंट हॉट टॉपिक है हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के दिमाग में, राइट? तो इस चीज का सोल्यूशन लेने के लिए कि किस तरीके से ये पेमेंट रूल लागू पड़ता है, किस किस बिजनेस एंटिटी पे लागू पड़ता है, कौन कौन से सेगमेंट में लागू पड़ता है, कब पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के दिमाग में चल रहे हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन लाने के लिए हम आज उत्कृष्ट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म पे आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है इस फील्ड के स्पेशलिस्ट मिस्टर दीप त्रिवेदी को। ही इज फाउंडर ऑफ डीके टैक्स कंसल्टेंट एंड ही इज थर्ड जनरेशन ऑफ हिज बिजनेस एंड ऑल्सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ मोर देन 800 बिजनेसेस इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। सो वेलकम टू उत्कृष्ट कंसल्टेंट पॉडकास्ट मिस्टर दीप त्रिवेदी। सो टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये 45 डेज ऑफ पेमेंट का रूल है क्या। यस खुशबू, आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट ऑफ उत्कृष्ट कंसल्टेंट। टूडेज करंट टॉपिक इज 45 डेज पेमेंट रूल। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि 45 दिन में आपको पेमेंट करना ही है अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें बताया गया है कि एमएसएमई रूल के मुताबिक सेक्शन 15 और 16 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपको आपके सप्लायर को 15 दिन में अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो और 45 दिन में अगर एग्रीमेंट किया है तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो काफी सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी है कि जो असमंजस में है कि कैसे पेमेंट करें, क्यों करें, अगर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से रूल्स है कि जिसमें पेमेंट हमको नहीं करना पड़ेगा। हम ट्रेडर है, हम मैन्युफैक्चरर है, हमारे सप्लायर्स ट्रेडर है, हमारे सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी काफी सारी क्वेरीज और क्वेश्चन हर एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये रूल क्या है। अब दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि हमें ये भी जानना है कि व्हाट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट ऑफ एमएसएमई और इस रूल का एप्लीकेशन इन यूनिट्स पे किस तरीके से होता है। गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये 45 डेज पेमेंट का रूल सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल यूनिट को ही एप्लीकेबल है। अगर आप मीडियम और लार्ज यूनिट में आते हो तो आपको एप्लीकेबल नहीं है। अभी यहां पे क्वेश्चन काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को होगा कि हमारा सप्लायर वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट में फॉल करता है कि नहीं करता है, मतलब माइक्रो और स्मॉल यूनिट है या नहीं है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आपके सप्लायर से आप मंगवाते हो तो वहां पर स्मॉल यूनिट है या माइक्रो यूनिट है या मीडियम यूनिट है वहां पर क्लियरली मेंशन होता है। पर फिर भी हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आपको बताए तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी आपके सप्लायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम और असेट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। अगर आपके सप्लायर का टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से कम और असेट में वैल्यूएशन 10 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल यूनिट कहलाएगा। अगर उसका 50 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से असेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो फिर लार्ज यूनिट में और मीडियम यूनिट में आ जाएगा। कि ये रूल कौन कौन से सेगमेंट में आता है और इसका असर किस किस बिजनेसेस पे होता है। हर एक बिजनेस के ओनर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ये रूल लागू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कहीं और भी पूछ रहे हैं, नेट पे सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, पर ये यूट्यूब वीडियो पर हम लोग अपने पॉडकास्ट में एकदम सचोट और सही तरीके से क्या हो सकता है वो बताने जा रहे हैं। ये रूल जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन H विद द रूल ऑफ 15 एंड 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट, तो अगर वो देखने जाए तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई में दो ही यूनिट को लागू हो सकता है कि जो माइक्रो यूनिट है और जो स्मॉल यूनिट है। हालांकि अगर देखने जाए तो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे, मतलब जिसका सालाना सेल्स 50 करोड़ से नीचे है और जिसका इन्वेस्टमेंट
10 करोड़ से नीचे है असेट में, उसको ही ये रूल लागू होगा। दूसरा, अगर एमएसएमई में आपका सप्लायर रजिस्टर है तो ही आपको उसको 15 या 45 दिन में पेमेंट करना है। अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर है ही नहीं तो फिर उसको 45 दिन में पेमेंट करने का रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे देखने जाए तो अगर आप ट्रेडर है या आपका सप्लायर ट्रेडर है तो उसको ये पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको पेमेंट करना है। अगर आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरर है तो उसको आपको पेमेंट करना है 45 दिन में। वैसे ऊपर से देखने जाए तो अगर आपका सप्लायर यानी कि आपने जिससे गुड्स या सर्विस परचेस की है वो ट्रेडर है तो उसको आपको 45 दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, पर बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस साइकिल के लिए या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपको हो सके उतना जल्दी पेमेंट करना है, पर ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है जिससे आप गुड्स परचेस कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है और मैन्युफैक्चरर है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 45 दिन में। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल 43B सबसेक्शन एच, देन इफ योर सप्लायर इज ट्रेडर देन यू आर नॉट लायबल टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेटिंग द इनवॉइस। तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये रूल सिर्फ सप्लायर के लिए ही अपन कह सकते हैं कि सप्लायर को ध्यान में रखते हुए ही किया है। हाँ, यस सुशांत, वेरी राइटली से, ये रूल गवर्नमेंट सिर्फ लाया है सप्लायर के लिए जो कि नॉन ट्रेडर्स है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं आपकी सर्विस प्रोवाइडर है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका है उसको ही 45 दिन में पेमेंट मिलेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। मतलब आपने अगर कोई मैन्युफैक्चरर से सर्विस ली है या मैन्युफैक्चरर से गुड्स लिया हुआ है या फिर आपने कोई सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली हुई है तो आपको 45 दिन में उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो ट्रेडर है तो उसको 45 दिन में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेक्शन 15 और 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट में कि ट्रेडर को एमएसएमई का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लैंडिंग के लिए ही मिलेगा। दूसरा कोई भी बेनिफिट ट्रेडर को एमएसएमई एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। ओके दीप, दिस इज वेरी इंसाइटफुल। मैं आपका ये ओपिनियन लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों लाए हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, या फिर क्या सोच के ये अप्लाई किया है? यस खुशबू, आई वुड लाइक टू फोकस द मेन एरिया और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड दिस रूल। गवर्नमेंट ने पिछले कई साल में देखा हुआ है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम लोग तकरीबन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम था जो हर एक एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा था कि उसका पैसा जो था वो मार्केट में रोटेट हो गया, फिर से उसके पास आने में बहुत टाइम लग रहा था। मतलब कि अगर ऐसा हम लोग बोले कि एक बार सेल्स तो हो जाता था पर पैसे आने में कहीं ना कहीं देरी लगती थी या फिर पैसा कहीं ना कहीं रुक जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर ये सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होगा, अगर ये चैनल अच्छी तरीके से नहीं घूमेगी तो ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल इंट्रोड्यूस किया कि आपका पेमेंट 45 डेज में आपको मिल ही जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको 45 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप अपना परचेज या गुड्स का परचेज किसी भी ट्रेडर से कर रहे हैं तो फिर आपको पेमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या ये सही है? अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है तो फिर आपको 45 दिन में उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैं एडवाइस करता हूँ कि आपका पेमेंट साइकिल है वो एक स्टेडी रखे, जो भी दिन आपने नक्की किए हो, जो आपके और आपके सप्लायर के बीच में डिसाइड हुआ हो उस हिसाब से पेमेंट करे ही। पर हाँ, गवर्नमेंट का ये 45 डेज का रूल आपको नहीं एप्लीकेबल होगा, तो आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो सप्लायर और रेसिपिएंट्स के बीच में गुड्स या सर्विस रिलेटेड जो भी एक्सचेंज है उस चीज का अग्रीमेंट होना कितना वैलिड है या कितना जरूरी है, या फिर अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ये रूल का असर क्या होगा? यस खुशबू,
एग्रीमेंट इज वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ दिस रूल। अगर आपका आपके सप्लायर के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिससे आप गुड्स परचेस कर रहे हो, जिससे आप सर्विस परचेस कर रहे हो, उससे अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है तो आपको 45 दिन मिलेंगे, या फिर जितने भी दिन एग्रीमेंट में लिखे होंगे उतने मिलेंगे। पर सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट वो बोल रहे हैं कि 45 दिन से ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो वैलिड नहीं होगा। सो नॉट मोर देन 45 डेज यू हैव टू मेक अ पेमेंट टू योर सप्लायर विच इज मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर विद इन 15 डेज और 45 डेज। तो मतलब मैं उससे ये समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारी क्रेडिट कम कर दी जो हम वैसे ले रहे थे, बट वो हमारी, अगर मैं किसी से कुछ सर्विस बाय कर रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, वो हमको इनवॉइस दे रहा है, तो पहले पेमेंट का म्यूचुअल डिसीजन रहता था, बट अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे आपके, आपने जो पहले बताया कि अगर मुझे क्रेडिट चाहिए 15 डेज की मुझे बाय डिफॉल्ट मिल रही है, और अगर मुझे और क्रेडिट चाहिए तो मेरे को एग्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे सप्लायर के साथ 45 डेज का, अगर नहीं किया तो मुझे 15 दिन में कर देना पड़ेगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर मैं दुष्यंत एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहीं पर भी सप्लायर और रिसिपिएंट के रिलेशनशिप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है। एमएसएमई में क्या है कि वो एक ऐसा एक्ट है जहां पर छोटे इंडस्ट्री को या फिर छोटे बिजनेस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि अगर कोई रूल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो छोटे बिजनेसमैन की जो आज आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक श्योरिटी दे दी है कि आपका पेमेंट 45 डेज में आ ही जाएगा, राइट? तो हाँ, गवर्नमेंट अगर आप 90 डेज पे पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेंगी। हाँ, पर एक बात जरूर है कि वो अगर नेक्स्ट बिजनेस ईयर में हो रहा है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर आपको पूछेगा कि ये क्यों किया। तो वो अगर बिजनेस फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोजर आ रहा है, मतलब 31 मार्च ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर आपके ओवरड्यू जितने भी है वो क्लियर होने चाहिए, या फिर 31 मार्च से पहले जितने भी आपने परचेस किए हुए हैं वो 31 मार्च से पहले भरपाई कर दो। ये तो अच्छा ही हुआ, मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि अगर एमएसएमई का, अगर ये मीडियम और स्मॉल आ जाते तो उसमें हम लोग खुद भी आ जाते। तो अगर हम किसी सर्विस से किसी से ले रहे हैं, मेरा जो सप्लायर है उसमें मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, और अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ तो उसमें मेरा भी पेमेंट आ जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए भी काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये रूल अगर आ जाता है तो हमको ये प्रॉब्लम होता, हम देंगे तब जब हमारे पास आए, पर अगर हमारे पास ही नहीं आ रहा तो हम आगे कैसे देंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे तो दोनों हाथों में अच्छी वो ही है सिचुएशन, तो ये मुझे इतना समझ में आया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इसका टाइम पीरियड कैसा होगा? जैसे अगर मैं ये समझता हूँ कि पूरे साल में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर मैंने पेमेंट दिया, और अगर मैं नहीं भरता हूँ, अगर मुझे पेमेंट नहीं आता है या मैं किसी को पेमेंट नहीं करता हूँ, अगर मैं सप्लायर की बात करूँ तो अगर मैंने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? यस दुष्यंत, एमएसएमई एक्ट के तहत सेक्शन 15 और 16 में मेंशन किया गया हुआ है। खास करके सेक्शन 16 में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है कि एमएसएमई एक्ट के मुताबिक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, सेक्शन 15 के मुताबिक आप पेमेंट नहीं करते हो जो कि 15 और 45 दिन है, तो आरबीआई की गाइडलाइन में जितना भी इंटरेस्ट रेट है उससे 3 गुना इंटरेस्ट आपको आपके सप्लायर को देना पड़ेगा विद द प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो कि 10% आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जारी किया हुआ है तो 30% इंटरेस्ट आपको आपके सप्लायर को देना पड़ेगा, और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट जितनी गुड्स की अमाउंट है वो तो देनी ही पड़ेगी। तो ये होगा अगर आपने ये रूल वायोलेट किया, तो ये रूल का फॉलो नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की पेनल्टी है कि सप्लायर को देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और उसी में अगर मैंने ये साल ही पेमेंट नहीं किया, मैंने साल ही बदल गया, मतलब अगर वो मेरा पेमेंट 14-15 फरवरी के बाद में हुआ तो 45 दिन तो मार्च क्रॉस कर जाएगा, अगर मैं तब करता हूँ तो क्या होगा? हाँ यस दुष्यंत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एंटरप्रेन्योर आजकल सोच रहा है,
पिछले दिनों भी उस पर क्लैरिटी प्रॉपर नहीं थी, पर मेरे भी तो मुताबिक अगर देखने जाए तो कभी भी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने परचेस किया हुआ है तो उसको 45 दिन में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सपोज एग्जांपल के तौर पर आपने 1 मार्च को कोई गुड्स या सर्विसेज परचेस किया हुआ है तो वो गुड्स और सर्विसेज का 45 दिन का पेमेंट का टाइम आपका 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो आप ऐसा सोचोगे कि अगर 15 अप्रैल में हो रहा है मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कभी भी पेमेंट करूंगा तो चलेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। 31 मार्च तक जितने भी इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं वो अगर आपके सप्लायर के हैं और वो ट्रेडर नहीं है तो आपको उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर कर ही देना है, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ ऑडिट ऑडिटर विल डिस अलाउ दी अमाउंट, तो वो आपके परचेज में नहीं होगा, डायरेक्टली आपकी इनकम में एड हो जाएगा, आपको उसका परचेज का डिडक्शन या फिर एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी इसमें बात हुई, आपने बात करी एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट जो था उसको वो कैसे अपने को देना है, व्हाट्सएप पे चलेगा या मतलब ईमेल करना रहेगा, पेपर पे लेना पड़ेगा वो एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया। अगर मुझे क्रेडिट लेनी है अगर 45 दिन की, तो आपके हिसाब से वो 15 दिन तो है ही, मतलब वो 15 हो गई है, उसका अगर 45 करना है तो एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट किया तो कैसे, मतलब आप कौन से एग्रीमेंट को आपका जो सप्लायर के साथ एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आपका ऑन पेपर होना चाहिए। वैसे तो एवरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज टू बी ट्रीटेड एज द एग्रीमेंट, पर मेरा ऐसा एडवाइस है कि आपके पास अगर पेपर पे एग्रीमेंट हो जिसमें क्लियरली 45 डेज मेंशन किया हुआ हो और जहां पर दोनों के साइन हो आपका और आपके सप्लायर का, तो ये एडवाइजेबल है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑडिट योर ऑडिटर विल आस्क the document between you and your supplier clearly mention the days for such agreement, तो वो मांगेगा ही मांगेगा, ऑडिटर के पास आपको जाने के टाइम पे वो एग्रीमेंट देना ही पड़ेगा। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि अगर 31 मार्च तक का मेरा 45 दिन खत्म हो रहा है किसी बिल को 1 फरवरी पे तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट अगर मेरा बिल ही 15 मार्च को जनरेट हो रहा है तो उसका 45 डेज होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में खत्म, वो हुआ तो क्या, और अगर मैं 15 दिन पहले ही पेमेंट कर देता हूं, 31 मार्च से पहले पेमेंट कर देता हूं तो क्या? ओके, यस दुष्यंत, तो ये पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोनों सिचुएशन समझा देता हूं। अगर आपने पूछा कि 15 मार्च पे अगर कोई इनवॉइस मुझे मिल रहा है या मैं परचेस कर रहा हूं तो उसके 45 डेज आपके खत्म हो गए 30 अप्रैल को, जो कि पड़ रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो 30 अप्रैल से पहले आपको पेमेंट कर देना है, अगर आपको वो परचेस और एक्सपेंस का डिडक्शन 23-24 में लेना है तो, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कोई भी डिडक्शन लेना है तो वो पेमेंट आपको 45 दिन की लिमिट में कर देना पड़ेगा, भले वो 45 दिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ रहे हो। अगर आपने पेमेंट कर दिया अप्रैल से पहले तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर आपने पेमेंट कर दिया मार्च महीने में ही तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आपने गाइडलाइन कोई भी वायोलेट की ही नहीं है, तो जो 45 दिन है उसके अंदर आपने पेमेंट कर दिया, जल्द पेमेंट कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। अगर 45 दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ रहे हैं तो भी वो 45 दिन से पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये जो भी आपके डेट्स मैच हो रहे हैं, मान लो कि 31 मार्च का बिल का जो भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन है वो आपने 45 डेज के अंदर नहीं किया, तो इस चीज का असर इनकम टैक्स पे क्या पड़ता है? अभी हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर वो देखें, तो अगर 31 मार्च को कोई परचेज हुआ है जिसका इनवॉइस हमको 31 मार्च को ही मिल रहा है तो हमारे 45 दिन कंप्लीट होने वाले हैं मई 15 को, राइट? तो अगर 15 मई से पहले हमने पेमेंट कर दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, हमको पूरा का पूरा डिडक्शन वो 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में ही, मतलब कि 23-24 में ही मिल जाएगा। पर अगर हमने 45 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो 15 मई से पहले हमने पेमेंट नहीं किया तो फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो अगेन वहां पर रूल आ जाता है कि तो डिडक्शन कब मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा वही साल में जहां पर आपने एक्चुअल पेमेंट किया होगा, तो आपको 24-25 में डिडक्शन मिलेगा। तो मान लो कि आपकी 100 रुपए की परचेज है कि जो 31 तारीख की है और आपने 15 मई से पहले पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो
आपका प्रॉफिट वो 100 रुपए से बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट हमारी, एक तो पहले क्रेडिट कम हो गई ऐसा समझ लो। अब इसमें आप दीप, आपको क्या लगता है कि जो सूरत में जैसे बिजनेसेस है कपड़े वाले, और मतलब जिनकी 90-90 दिन की, कुछ जीआरडीसी में भी ऐसी ऐसे बिजनेस है जो 90-90 दिन की क्रेडिट रखते हैं, तो उन पे ये कैसे फर्क पड़ेगा और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? दूसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, कहीं पर भी सप्लायर और रिसिपिएंट के रिलेशनशिप पे अंदर कभी भी घुसना नहीं चाहती है। गवर्नमेंट आपकी रिलेशनशिप बिगड़ना ही नहीं चाहती है। हालांकि आप बोले सूरत के क्लाइंट जो है जो पावरलूम हैंडल करते हैं, जो कहीं ना कहीं कपड़े का मार्केट हैंडल कर रहे हैं, वहां पर तो 6-6 महीने की क्रेडिट होती है, तो वहां पर 180 डेज का क्रेडिट का रूल है। यहां पर गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है तब तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब आपका 180 डेज का जो भी साइकिल है वो पहले ईयर पे डिस्टर्ब होगा ही होगा। नेक्स्ट ईयर से तो सेम सिनेरियो हो जाएगा, पिछले साल का जो पेमेंट है वो इस साल मिलेगा, इस साल का पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो फिर कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। पर हाँ, उससे पहले तो ये इश्यू आएगा, अगर पहले साल में आपने पेमेंट नहीं किया फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर, तो आपको परचेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर सामने वाला बंदा ट्रेडर है तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है तो ही इश्यू है। सामने वाला भी अगर सिर्फ मार की ले बेच कर रहा है तो फिर तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा उस पर, तो उसको पेमेंट का जरूरत ही नहीं है। ये रूल आने से मुझे इतना समझ में आया है कि गवर्नमेंट ने क्लाइंट और सप्लायर के रिलेशन को सही करने के लिए काफी अच्छा रूल आ गया है। यस, वेरी वेल सेड। गवर्नमेंट ने ये रूल सिर्फ इसलिए लाया हुआ है कि मार्केट में जो वर्किंग कैपिटल क्रंच था, साइकिल बहुत धीमी पड़ गई थी, वो साइकिल अब 45 डेज की हो जाए। मतलब ईयर टू ईयर अगर देखने जाए तो 31 मार्च से पहले पूरे साल के पेमेंट आपके क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आप ट्रेडर है तो नहीं हुए होंगे, पर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है और मैन्युफैक्चरर है तो हो गए होंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस रूल के आने से या इस चीज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर माइक्रो और स्मॉल लेवल के उसमें यूनिट्स पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो कोई है नहीं वैसे देखने जाए तो। खुशबू, फाइन। तो मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स हेल्पिंग अ बिजनेस, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए बहुत सही चीज है ये कि अगर आप अपना वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से रोटेट करते हो तो बहुत जल्दी आप एक हेल्दी बिजनेस एंटिटी क्रिएट कर सकते हो, राइट? यस खुशबू, वेरी राइटली सेड कि ये रूल एमएसएमई के लिए, अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, अगर आपका पेमेंट साइकिल रेगुलेट होता है तो वो बहुत अच्छा है। हम अगर पूरे पॉडकास्ट का समरी डिस्कस करें तो ये हम बोल सकते हैं कि आपको 45 दिन में पेमेंट या 15 दिन में पेमेंट तभी करना है जब आपका सप्लायर मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे और असेट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे हो और एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तभी ही आपको 45 दिन या 15 दिन में एग्रीमेंट करके या ना करके उसको पेमेंट करना है। अदरवाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है के वो ट्रेडर हो तो मेरे को टेंशन नहीं है, और वो अगर मीडियम और लार्ज हो तो भी मुझे टेंशन नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। यस सुशन, तो अगर मैं उसकी भी समरी आपको दूं कि किसको 45 डेज पेमेंट वाला नियम लागू नहीं होगा, अगर वो अगर आपको चाहिए तो वो भी समरी में दे देता हूं। एक, अगर आपका सप्लायर वो एमएसएमई में रजिस्टर ही ना हो तो फिर उसको ये रूल लागू नहीं होता है। अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है तो भी आपको ये रूल लागू नहीं होता है। अगर आपका सप्लायर मीडियम और लार्ज यूनिट है एमएसएमई के तहत तो भी आपको ये रूल लागू नहीं होता है ना। तो ये तीन कंडीशन है, जहां पर आपका सप्लायर फॉल करता हो तो आपको ये 45 डेज रूल लागू नहीं होता है। सो अगेन दीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर डीप नॉलेज टू अवर व्यूअर्स। And this podcast is also shared on the YouTube channel of DK Tax Consultant, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया है।
और आप सबसे मैं ये भी कहूंगी कि आपको टैक्स रिलेटेड, बिजनेस एंटिटी रिलेटेड या फिर किसी भी फाइनेंस रिलेटेड एडवाइस की अगर जरूरत है तो आप नीचे दिए गए लिंक में, जो कि डीके टैक्स कंसल्टेंट की व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहां पे अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं और उस चैनल पे आपको रेगुलर फाइनेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड एडवाइसेस, नोट्स, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच दूषण टू इन्वाइट मी ऑन सच काइंड ऑफ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी हॉट टॉपिक पॉडकास्ट, जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 45 दिन के पेमेंट का रूल क्या है, इससे कैसे निकला जाए और बिजनेस एंटिटीज को या बिजनेस ओनर्स को ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो आगे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, हमारी चैनल पे भी हम आपको जल्द ही इन्वाइट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आज का ये सेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा है। आगे इस तरीके के और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले, स्पेशली उन फ्रेंड्स को जो कि स्टार्टअप्स में है या फिर नए बिजनेस एंटरप्रेनर्स हैं या नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं। थैंक यू।